दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे हिंदी में मैं बोलूं तो खोया हुआ वसंत। यहां पे दोस्तों वसंत बचपन को कहा गया है, यानी खोया हुआ बचपन। ये एनसीईआरटी की बुक का एक चैप्टर है जिसे लिखा था अनीस जंग ने, जो कि एक इंडियन ऑथर है। और इस चैप्टर के थ्रू ये उन परिवारों की गरीबी और मजबूरी को दिखाना चाहती हैं जिन परिवारों के बच्चे बहुत ही कम उम्र में फिजिकली बहुत ही खतरनाक काम करने लग जाते हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। और अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो जवान होते होते बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं वादा करता हूं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस लाइन से, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तुम ये सब क्यों करते हो, मैंने साहेब से पूछा, जिसे मैं रोज सुबह अपने पड़ोस में कचरा फेंकने वाले ड्रम में कुछ पैसे वगैरह ढूंढते हुए देखती हूं। साहेब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था, ढाका के हरे भरे खेतों में इसका घर था और इसे तो अपना घर याद भी नहीं है। इसकी माँ इसे बताती है कि ढाका में जहां ये रहते थे वहां बहुत भयंकर तूफान आते थे और इनके घरों और खेतों को वो तूफान तहस नहस कर जाते थे, अपने साथ उड़ा ले जाते थे। इसलिए ये लोग वो जगह छोड़कर पैसे की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां ये अभी रह रहे हैं। मेरे पास इसके अलावा करने के लिए और कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है ये? साहेब बोल रहा है कि मेरे पास कचरे में से पैसा ढूंढने के अलावा और कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो दूसरी तरफ देखकर अपने मन में ही खुसफुसाता हुआ बोला, स्कूल जाया कर, मैंने उसे साफ साफ कहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी एडवाइस उसे कुछ खास लगी नहीं, एकदम खोखली सी लगी मेरी एडवाइस उसको। मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे, मैंने उससे मजाक मजाक में पूछा। वो हंसकर बोला, हाँ आऊंगा। थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़कर आया। क्या आपका स्कूल बन गया? एक्चुअली मैं उसे बनाना नहीं चाहती थी, मैंने एकदम थकान भरी आवाज में उससे कहा, स्कूल बनने में टाइम लगता है। लेकिन मैंने जो उससे प्रॉमिस किए थे वो उसके रूखे सूखे संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। उसको महीनों तक समझने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। वो बोला, साहेब आलम। वो इस नाम का मतलब नहीं जानता था। अगर उसे पता लग जाए कि इस नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि भगवान, तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। वो अपने नाम का मतलब जाने बिना अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की एक ऐसी आर्मी जो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आसमान में सुबह परिंदे उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं ना जो, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। क्योंकि मैं महीनों से इन लोगों से मिल रही हूं तो इनमें से हर एक को मैं धीरे धीरे पहचान रही हूं। अब उन्हीं में से एक से मैंने पूछा कि तुमने कोई चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि मेरी माँ ने उसे टाड़ से नहीं उतारा। टाड़ एक टाइप का, जो क्या कहते हैं उसको, एक छत टाइप की होती है। दूसरा, जिसने बिल्कुल अलग अलग जूते पहन रखे हैं, वो मुझसे कहता है कि अगर इसकी माँ वो चप्पलें उतार भी दे तो ये उन्हें फेंक देगा। अब मैंने उसके अलग अलग जूतों पर कमेंट किया तो वो अपने पैरों को पीछे घसीट रहा था और एकदम चुप हो गया, वो कुछ नहीं कह रहा। एक तीसरा लड़का इनमें से, जिसके पास अपनी जिंदगी में कभी जूते रहे ही नहीं, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। मैंने देश, पूरे देश में घूमते हुए, शहरों में, गांव में बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। और ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है कि ये नंगे पैर घूमते हों, बल्कि इन लोगों की ये परंपरा है। ये लोग एक तरह से बहाना मारते हैं, ये इन लोगों की परंपरा है नंगे पैर रहना। मुझे एक कहानी याद है जो एक आदमी ने मुझे उड़ीपी में सुनाई थी। ये उड़ीपी एक जगह है दोस्तों, जगह का नाम है उड़ीपी। जब वो आदमी लड़का था, मतलब बॉय था, और स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से निकला करता था और उसके फादर पुजारी थे, वो थोड़ी देर मंदिर में रुकता और एक जोड़ी जूते की प्रार्थना करता भगवान से। 30 साल के बाद मैं उसके टाउन में गई और मंदिर गई, जो मंदिर अब उजाड़ हो गया था। पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहता था, रेड और व्हाइट कलर की वहां पे चेयर्स थी, ग्रे कलर के मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा सा लड़का भागता हुआ हाँफता हुआ आया और अपना बैग फोल्डिंग पलंग पर फेंक दिया। उस लड़के को देखते हुए मुझे उसकी वो प्रेयर याद आई, वो प्रार्थना याद आई जो उसने उस देवी से की थी। जब फाइनली उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे,
तो वो बोला कि अब मैं इन्हें कभी नहीं खाऊंगा। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब उस पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले लड़कों की तरह और बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते हैं। ये नंगे पांव कचरा बीनने वालों से मेरा इंट्रोडक्शन मुझे सीमापुरी ले गया। ये एक जगह है जो दिल्ली के बॉर्डर पर है, लेकिन ये दिल्ली से बहुत दूर है। ये यहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे, और ये साहिब का परिवार भी इन्हीं लोगों में से है। सीमापुरी उस टाइम पे एक बीहड़ टाइप की जगह नहीं होती, क्या बीहड़ था, और अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी ये खाली नहीं है। टिन तिरपाल वगैरह लगा करके जिनके पास पानी की कमी है, कच्चे घरों में लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। 30 सालों से ज्यादा टाइम से ये यहां पे बिना परमिट, बिना पहचान के यहां पे रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड है, जिससे इन लोगों का नाम वोट डालने वालों की लिस्ट में आ सके, और इससे ये राशन भी ले पाते हैं। जीने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी है खाना। अगर दिन खत्म होता है, दिन की एंड में हम अपनी फैमिली को खाना खिला सकें, पेट भरकर सो सकें, तो हम उन खेतों में रहने की बजाय यहां रहना पसंद करेंगे, जिन खेतों ने कभी हमें कोई अनाज नहीं दिया। ये सब उन फटी साड़ी पहनी हुई औरतों ने कहा। जब मैंने उनसे पूछा था कि तुमने अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया, नदियों वाले सुंदर देश को, उन्हें जहां भी खाना मिले वहां अपने तंबू गाड़ लेते हैं, जो इनके परमानेंट घर नहीं है, और इनके बच्चे इन्हीं घरों में बड़े होते हैं। सीमापुरी में सरवाइव करने के लिए इन लोगों को कचरा बीनना पड़ता है, और सालों तक ये काम करते करते इन लोगों के लिए ये काम, ये कचरा बीनने वाला काम एक आर्ट बन गया है। कचरा इन लोगों के लिए सोना है, इनकी रोजी रोटी है, सरों पर छत है, भले टपकती हुई, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी। साहेब बोलता है, साहेब ये सब बोल रहा है, और उसकी आंखें एकदम चमक जाती है। जब कचरे के अंदर आपको एक चांदी का सिक्का मिलता है, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि और ज्यादा मिलने की उम्मीद बनी रहती है। ऐसे लगता है जैसे बच्चों के लिए इस कचरे का जो मतलब है, इनके बड़े बूढ़ों के लिए वो मतलब नहीं है। मतलब बच्चों के लिए तो वो कचरा खजाना है, लेकिन इनके बड़े बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए वो जिंदा रहने का एक साधन है। अब सर्दियों में एक सुबह मैंने साहेब को पास में ही एक क्लब के पास खड़े हुए देखा, जहां वो सफेद कपड़े पहने लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रहा था, और मन ही मन में बोल रहा था, गुनगुना रहा था कि मुझे ये खेल पसंद है। वो क्या है, वहां पे बाढ़ लगी रहती है, तो उसके पीछे खड़ा होकर के ही वो इस गेम को देखता है और खुश हो जाता है, और जब कोई आसपास नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है, और उसका जो गार्ड है, जो बाहर खड़ा रहता है गेट के बाहर, वो उसका झूले झूलने देता है वहां पे। साहेब ने टेनिस खेलने वाले जो जूते होते हैं ना, वो पहन रखे हैं, और उसकी शर्ट का रंग उड़ा हुआ है, उसकी क्या है, जूते वो उसके निक्कर पे बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं। किसी ने मुझे ये दिए थे, वो ये साफ साफ ये क्लियर कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। इन जूतों को शायद किसी पैसे वाले लड़के ने फेंका होगा, इन जूतों में एक छेद था, इसलिए उसने इन जूतों को नहीं पहना और फेंक दिया, और साहेब को इस छेद से कोई परेशानी नहीं है। भाई किसी के लिए जो जिंदगी भर नंगे पैर घूमा है, छेद वाले जूते भी उसको मिल जाए तो ऐसे लगता है जैसे सपना सच हो गया। किसी सपने से तो कम नहीं है ये चीज। लेकिन ये गेम जिसे वो इतना गौर से देख रहा है, वो इसकी पहुंच से बहुत दूर है। आज सुबह मैंने देखा कि साहेब दूध की दुकान पर जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कंस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूं, वो इशारा करता हुआ बोला, मुझे 800 रुपए और सारे टाइम का खाना मिलता है वहां पे, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? मैंने उससे पूछा। मैंने उसके चेहरे को देखा, कुछ अजीब से उसके चेहरे पर भाव आ रहे थे। भाई स्टील का जो कंस्तर है, वो प्लास्टिक के थैले से बहुत ज्यादा भारी लगता है। भाई थैले को तो बड़े आराम से कंधे पर डाल करके ले जाया जा सकता है। थैला उसका था, कंस्तर उस आदमी का है, चाय की दुकान के मालिक का। अब ऐसे लग रहा था जैसे साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। अब दोस्तों गौर से सुनना स्टोरी को। मैं कार चलाना चाहता हूं, मुकेश खुद मालिक बनना चाहता है। अब मुकेश की स्टोरी पे आ गई है हमारी ऑथर, कि मैं मालिक बनना चाहता हूं, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो अनाउंस करता है। क्या तुम कारोबारों के बारे में कुछ जानते हो? मैंने उससे पूछा। मैं कार चलाना सीख लूंगा, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसका यह सपना एक टाउन है फिरोजाबाद, उसकी गलियों में, जो कि चूड़ियों के लिए फेमस है ये फिरोजाबाद, ये जो टाउन है, इसकी धूल भरी गलियों में उसका ये सपना,
मैकेनिक बनने का सपना एकदम मृग तृष्णा के जैसे लगता है। मृग तृष्णा वो होती है जो हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखता है ना, उसको कहते हैं मृग तृष्णा। फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली चूड़ी बनाती है। ये इंडिया में कांच को शेप देने वाले जो फैक्ट्रीज होती है, एक तरह से कांच को शेप देते हैं जो लोग, उसका एकदम सेंट्रल एरिया है, जहां की फैमिलीज ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, मतलब कांच को शेप देते हुए, ऐसे लगता है जैसे पीढ़ियां बिता दी। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। इन लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों को बिना हवा के, बिना लाइट के, ऐसे बंद गंदी कोठरियों में काम करवाना, मतलब जिसमें टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ये सब गैर कानूनी है। और अगर ये कानून लागू कर दिया जाए तो लगभग 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, जहां वो घंटों कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। जब मुझे मुकेश अपने घर ले जा रहा था तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई, कि ऐसे बोला उसने कि मेरा घर अब फिर से बनाया जा रहा है। हम लोग गंदी बदबूदार गलियों से गुजरे, गंदे घरों के आसपास से, जहां टूटी फूटी दीवारें, टूटी फूटे दरवाजे डगमगाते हुए, बिना खिड़कियों के दरवाजे, जहां लोग एकदम जानवरों की तरह रह रहे थे, जैसे पुराने जमाने में रहते थे वैसे। और ऐसे ही घर के ऐसे ही एक दरवाजे पर हम रुक जाते हैं। लोहे के एक झूलते हुए दरवाजे पर वो जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है, और हम लोग एक आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। सूखी घास के छप्पर के ऊपर उसका एक चूल्हा पड़ा हुआ है, जहां पे पालक की कुछ पत्तियां उस बर्तन के अंदर उबल रही है। जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटें पड़ी है जिसमें कुछ कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर सी औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। उसकी आंखों में धुआं जा रहा है, फिर भी वो देखते हुए मुस्कुरा रही है। ये औरत दोस्तों मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। उम्र में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक बहू के रूप में उसको देखा जाता है, उसको एक बहू ही समझा जाता है। वो घर की बहू है, उस पर मुकेश की, उसके भाई की और उसके, मतलब तीन तीन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आता है, और वो जो घर की बहू थी वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे खसक गई और घूंघट डाल लिया अपने सर पे। और ये उन लोगों का नियम है, रिवाज है, कि कोई मतलब बड़ा बूढ़ा आए तो उसके सामने उनको चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए। दोस्तों ये बूढ़ा आदमी चूड़ी बनाने वाला एक बहुत ही गरीब आदमी है। ये पहले दर्जी का काम करता था, फिर चूड़ी बनाने का काम करता था। इतना सब मेहनत करने के बावजूद भी अपने बेटों को स्कूल भेजने में ये असमर्थ रहा, और उन्हें वो ही सिखा पाया जो ये खुद जानता था, यानी कि चूड़ी बनाने का आर्ट। ये इसका भाग्य है, ये इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, मुकेश की दादी बोलती है, जिसने अपने पति को चूड़ियों की पॉलिश करने वाली उड़ती धूल जो आती है वो आंखों में, उससे अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। क्या कभी भगवान की बनाई हुई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? वंश परंपरा समझते हो ना, उसका मतलब ये था कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर के चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और काम किया जा सकता है क्या? फिरोजाबाद में जहां देखा जो देखा, बस हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर के आंगन में, फिरोजाबाद की गलियों में चूड़ी बनाने का काम ही देखा। मालाओं की तरह चूड़ियों के गुच्छे, बंडल, धूप से सुनहरे, धान के हरे, चमकीले नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में बनने वाले हर रंग के ढेर आंगन में पड़े रहते हैं। इनको 4 पहियों वाली गाड़ी पर लाद करके घर के जवान आदमी इन गलियों में ढकेलते हैं, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते दियों की लौ की पंक्तियों के आगे खड़े लड़की लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ इन रंगीन कांच के चूड़ियों को जोड़ते हैं। उनकी आंखें बाहर लाइट में रहने की बजाय अंधेरे में ज्यादा रहती है, इसलिए बहुत कम उम्र में वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। एक छोटी सी लड़की सविता गुलाबी कलर के कपड़े पहने एक बूढ़ी सी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। उसके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे हैं। मैं सोचती हूं कि क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? वो लड़की जो बना रही है चूड़ियां, वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? ये चूड़ियां इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है। ये बात उसे उस दिन समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक जाएगा, उसके भी हाथ में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसके भी हाथ में पहना दी जाएगी, और वो दुल्हन बन जाएगी। उसके बगल वाली वो बूढ़ी औरत भी
सालों पहले दुल्हन बन गई थी, उसके भी हाथों में चूड़ियां हैं लेकिन आंखों में चमक नहीं है, एक वक्त का खाना भी नहीं खाया और ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर पेट भर खाना तक नहीं खाया, ये ही मिला है उसे। एक लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा सा आदमी, उसका पति है, जो वो कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं जानता, मैं अपने परिवार के रहने के लिए सिर्फ मकान ही बनवा पाया हूं। उसकी ये बात सुनकर के कोई भी सोचेगा कि क्या उसने अपनी जिंदगी में वो हासिल कर लिया जो कोई बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते, कि उसके सर पर एक छत है, चूड़ियां बनाने के काम को कंटिन्यू रखने और पैसा ना होने के कारण, खाना ना होने के कारण दुख से जो आवाजें निकलती है, कसक निकलती है, कराहट निकलती है, वो हर घर में गूंजती है। यहाँ पे जवान लोग वही अपने बुजुर्गों की बातें दोहराते हैं, ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद में कुछ बदला ही नहीं। दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने सपने देखने की जो क्षमता होती है उसको मार दिया है। अच्छा, आप लोग खुद की अपनी कोई सोसाइटी नहीं बना सकते जिसके मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करें? मैंने वहां खड़े युवाओं के एक ग्रुप से पूछा जो बेचारे इस काम में फंसे हुए हैं और इनके इनके फादर्स को उन लोगों ने इस जाल में फंसाया था। अगर हम लोग एक साथ हो भी जाते हैं, एकजुट हो भी जाते हैं, तो भी वो लोग हमारा गैर कानूनी काम देख करके हमको ही कोर्ट में घसीटेंगे, हम लोगों को पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने ये बात मुझसे कही। अच्छा, उनमें से कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो उन लोगों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करे। उनके फादर्स भी उतने ही थके हुए हैं जितने की वो लगातार वो गोल 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 बातें करते हैं, अपनी गरीबी से उदासीन पड़े रहते हैं और ये उदासीनता से ये लालच बन जाती है और लालच से अन्याय बन जाती है चीज। उनकी बातें सुनकर के मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। पहला तो एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, अपनी जन्म और जाति का कलंक लेकर के दबा हुआ है। दूसरे साहूकार और बिचौलिए, नौकरचाह, राजनेता वगैरह वगैरह, इन दोनों ने मिलकर बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। उसे कुछ एहसास होने से पहले ही वो स्वाभाविक रूप से उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके फादर ने कभी किया था इस चीज को एक्सेप्ट। कुछ हटकर करना ये उसकी परवरिश में नहीं है। और जब मुझे मुकेश में ये झलक दिखाई देती है कि वो लड़का कुछ अलग करना चाहता है, तो ये चीज देख करके मुझे खुशी होती है कि मैं एक मैकेनिक बनूंगा, मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा। वो इसी बात को बोलता रहता है, वो किसी गैराज में जाएगा और जाकर के सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, मैं पैदल जाऊंगा। वो जोर से कहता है, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? वो अचानक से चुप हो गया ये बात सुनकर के। नहीं, वो जमीन को घूरते हुए कहता है, वो जो शर्मिंदगी दिखा रहा था उससे मैं समझ गई कि वो अपनी बस कारों तक ही संतुष्ट है, वो अपने गलियों में, कस्बों में जो तेजी से दौड़ती हुई कारों को देखता है, और फिरोजाबाद में मुश्किल से ही बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं।